नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व चैंपियन बनकर दिखाया और इसी के साथ ही खिलाड़ियों पर इनाम की बारिश भी हो रही है। किसी को गोल्डन बूट तो किसी को गोल्डन बॉल मिली है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के खिलाड़ी मालामाल, हर खिलाड़ी को मिली भारी भरकम रकम। मेसी के अंतिम वर्ल्ड कप की खास बातें, इंग्लैंड को मिला फीफा फेयर प्ले अवार्ड। लियोनेल मेसी की कैप्टेंसी में अर्जेंटीना ने इतिहास रचा और पल पल बदलते मैच को पेनल्टी शूट आउट में फ्रांस को हराकर अपने नाम कर लिया। करीब 36 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले अर्जेंटीना के साथ पूरी दुनिया भी जश्न मना रही है और मुकाबला खत्म होते ही इन सभी खिलाड़ियों पर बेशुमार दौलत की बारिश हो रही है। और पूरे मैच के दौरान मुकाबले की जान रहे लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया, तो वही फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड, एमिलियानो मार्टिनेस को गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, एंजू फर्नांडिस को बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड और फीफा प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया। इसके साथ ही विनर टीम यानी अर्जेंटीना को 347 करोड़ रुपए मिले, फ्रांस को 248 करोड़ रुपए मिले, तीसरे नंबर पर रही क्रोएशिया टीम को 223 करोड़ रुपए मिले, तो वही चौथे नंबर पर रही मोरक्को टीम को 206 करोड़ रुपए दिए गए। इसके साथ ही वर्ल्ड कप में शामिल हुई हर टीम को 9 मिलियन डॉलर, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाली टीमों को 13 मिलियन डॉलर और क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीमों को 17 मिलियन डॉलर दिए गए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना के लिए तो अहम था ही, लेकिन इसके साथ ही लियोनेल मेसी का अंतिम वर्ल्ड कप देखते हुए भी ये जीत अर्जेंटीना के लिए अहम हो जाती। बता दें, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कई कारणों से चर्चाओं में रहा। एक समय ऐसा भी आया जब आतंकी गतिविधियों में संलिप्त भगोड़े जाकिर नाइक की वजह से फीफा को बायकॉट करने की भी मांग उठी थी। हालांकि मामले पर कतर ने सफाई देते हुए मामले को संभाल लिया था। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो कारण जो भी रहा हो, फीफा ने शुरुआत से लेकर अंत तक दर्शकों का रोमांच बरकरार रखा और आखिर में मेसी ने अर्जेंटीना को अपने खेल के इस सफर में जीत का शानदार तोहफा देकर सभी का दिल जीत लिया।